लोगों को तो हमारे लोगों के बीच कहां क्या कठिनाई है उसका निवारण को कैसे करें इस पर ये प्रकार जान लेंगे। और जबकि जैसा कि आपके बीच के बंधु के द्वारा बताया गया है कि सेवानिवृत्ति के बाद भी आपकी सेवा में निश्चल काम से निश्चल भाव से लगे हुए हैं यह वाकई में अनुकरणीय है हम सबों के लिए। और आप लोग अपने हौसला को बनाए रखिए, अपने जज्बा को बनाए रखिए, और जब जज्बा रहेगा हौसला रहेगा तो इस तरह की कठिनाइयां जीवन में आती रहेगी जाती रहेगी, लेकिन अपना मनोबल हमेशा ऊंचा रहेगा। मैं आशा करूंगा कि सभी के जो हमारे क्षेत्रवासी हैं जिन्हें इस तरह की पीड़ाएं हैं कठिनाइयां हैं उस कठिनाइयां को अपने आप में मत रखें, क्योंकि आपसे भी और अनुभवों को कठिनाइयां होंगी जिसका सामना वो कर रहे होंगे, आपको आवाज नहीं होगा पता नहीं होगा। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जैसा कि आप लोग भी जानते हैं अंतर्मुखी बहिर्मुखी, तो बहिर्मुखी वाले बोल देते हैं अंतर्मुखी वाले बोल नहीं पाते हैं, अंदर ही अंदर घुटन महसूस करते हैं। लेकिन आप जो बहिर्मुखी हैं आप तो फोन से भी बात कर लेते हैं बताते हैं कि सर ये प्रॉब्लम है इसका निवारण कैसे होगा। इस तरह से हमेशा बहिर्मुखी बने रहना है और अपने हौसला को बनाए रखना है, अपना आपका जो अधिकार है और जो कर्तव्य है उसका सदैव निर्वहन करते रहना है। और हमारे विकास में तो आपके टोला आपके समाज आपके पंचायत एक गरी है तो अनवरत आपसे संवाद स्थापित करते रहते हैं। उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि आप लोग उनसे हमेशा मिलते रहें और जो भी छोटी छोटी जो कठिनाइयां है या जो योजना है वहां तक उनको बताने का कष्ट करते रहे ताकि वो लोग लाभ ले सके। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके गांव पंचायत का किस तरह से क्या लक्ष्य पहुंचने का और लक्ष्य में क्या क्या प्राप्त हो सकता है इस पर विस्तार पूर्वक से बताएंगे राज्य उपाध्यक्ष श्री बिंद यादव। और आई शुभागार भवन में जो आज हमारे दिव्यांग भाई बहनों का कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दिव्यांग जनों के मसीहा दिव्यांग जनों के भगवान और दिव्यांग भाई बहनों को बराबरी के सम्मान देने वाले और अपने गले से गले लगाने वाले ब्रह्माननीय आयुक्त महोदय डॉक्टर शिवाजी सर को मैं शरण स्पर्श करता हूँ इस कार्यक्रम में। साथ ही हमारे इस प्रखंड के